Hello students, the question is cymose inflorescence is present in A. Solanum, B. Sesbania, C. Trifolium, D. Brassica. So, सबसे पहले बच्चे हम समझेंगे इनफ्लोरोसेंस क्या होता है. इनफ्लोरोसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस. अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस एंड द फ्लोरल एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज पेडंकल. नाउ इनफ्लोरोसेंस इज ब्रॉडली कैटेगराइज एज रेसिमोस and cymose. And racemose type of inflorescence shows, racemose type of inflorescence hai, that is shows indefinite growth of plant, or that's why also known as indefinite inflorescence, because here the main axis never terminates into flowers. The flowers are born on lateral branches in a acropetal succession. In a acropetal succession matlab acropetal order mein aate hain. एक्रोपिटल ऑर्डर का क्या मतलब है? ओल्डर टुवर्ड्स बेस. ओल्ड फ्लावर टुवर्ड्स बेस एंड यंग टुवर्ड्स एपेक्स. व्हाइल इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर. मेन एक्सेस टर्मिनेट्स टू फ्लावर. That's why it shows limited growth. यहाँ पे plant की growth क्या होगी? Limited growth होगी. See, main axis terminates into flower. Main axis terminates into flower. पूरे tree पे हमें, पूरे plant पे हमें flowers नजर आएंगे in a basipetal order. Basipetal order का क्या meaning है? The younger flower towards the base. Younger flower towards the बेस. अब ऑप्शंस को देखते हैं बच्चे. ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन अ प्लांट विद सोलेनेसी फैमिली, व्हाइल रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन फैबिएसी. एंड लिलिएसी फैमिली आल्सो शोज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस. तो अब ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पे कि इनमें से सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली के कौन से एग्जांपल्स हमें मेंशन किए गए हैं जो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शो करेंगे. सोलेनम बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, सो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा. नाउ व्हिच इज सेस्बियाना एंड ट्राइफोलियम, दीज टू आर फोडर क्रॉप्स. बोथ आर फोडर क्रॉप्स एंड बिलोंग्स टू फैबिएसी फैमिली. एंड ब्रैसिका ऑल्सो belongs to Fabaceae family. This means Trifolium, Brassica and Sesbania has racemose type of inflorescence and Solanum has cymose type of inflorescence. So the correct answer here is option A. Thank you.